ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट कुछ इसके अल्फाज मानी हैं समरी के अंदर वो भी आप ध्यान में रखें इसके अगर जुमले बनाने पड़ें या कहीं आपको इस्तेमाल हो तो आप उसको क्लियर कर सकें सो इन दिस बुक यू कैन रीड दिस वर्ड्स आई जस्ट टेल यू द मीनिंग हीट ये जो लफ्ज़ है इसको हमें चाहिए हैं फॉलो मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग हीट मीन पे अटेंशन परसवीयर इसका मतलब है मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहना स्ट्राइफ मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करना केस मैंने सूरत हाल कंडीशन पेशेंस मैंने सब्र तो आप ये याद रख लें फाइंड द सनेम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इसके सेना यानी जो इसके मुतरदफ़ अल्फाज हैं सिमिलर मीनिंग हैं वर्ड्स के वो आप लिख लें तो आप लिख लेना अपनी बुक पर करेच का मतलब आप लिखें मेटल के नाम से एम ई डबल टी एल ई मेटल इसको कहते हैं जुरत हौसला मंदी। Conquer मैंने win आप लिख सकते हैं disgrace मैंने insult एक लफ्ज़ होता है वो भी आपको मालूम है वो आप लिख सकते हैं हार्ड मैंने सख्त कोशिश या बहुत सख्त होना तो स्वियर भी होता है इसका आप लिख सकते हो और जिसके मीनिंग में क्लियरली आप इसको रीड कर सकते हैं उसके मीनिंग में और अगर हम वैसे इसको देखें तो आप डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं इसके लिए हार्ड का डिफ़िकल्ट रिवार्ड के लिए आप अवार्ड का लव्स भी लिख सकते हैं तो ये आप वर्ड्स मीनिंग इसके आप ध्यान में रखें और इसको कोशिश करें प्रैक्टिस की ताकि ये क्लियर हो जाए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स जल्दी जल्दी से ज़रा एक नज़र देखते हैं जो आपके लिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वट इज द लेसन टॉट इन द फर्स्ट फर्स्टा पहले क्या बताता है द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा इज दैट इफ एट वी डोंट सक्सीड अगर हम कामयाब नहीं होते वी शुड कीप ऑन ट्राइंग हमें कोशिश करते रहना चाहिए फेलियर और सक्सेस नाकामी या कामयाबी डज नॉट मैटर कोई इस, इसका कोई मतलब यानी कोई मामला नहीं है कोई मसला भी नहीं है इट इज प्रस ये तो एक मुस्तक मिजाजी की बात है इन कंटिन्यूस एफर्ट और मुसलसल कोशिश की बात है दैट डज मैटर जो कि बहुत अहमियत रखती है डज मैटर का मतलब द पोइट प्रजेंट्स द बिलीफ इस ख्याल को पेश करता है दैट वन हुईज कंसटेंटली वह बंदे जो बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश करते रहते हैं अचीव सक्सेस अल्टीमेटली आखिरकार अल्टीमेटली वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं लेकिन शर्त क्या है जो मुसलसल कोशिश करते रहते हैं दिस इज द मेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर फेलियर से हमें क्या मिलता है सबक वगैरह वी लर्न दैट इफ़ वी फेल वी शुड जिस्ट कि अगर हम कभी नाकाम हो ही जाएं तो हमें चाहिए कि हम मुस्तकिल मिजाजी से लगे लगें प्रजिस्ट करें वी शुड फेस फेलियर मैनफुली हमें बहुत ही दिली तौर पर मैनफुली बड़े हौसला मंदी से अपनी नाकामी को फेलियर्स को सामना कर लेना चाहिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फेल होना यह कोई बुरी बात नहीं है इन जनरल लिहाज से बात कर रहा हूँ आ, लेकिन अगर हम फेल होकर अपना मकसद को छोड़ दें ट्राई करना छोड़ दें यह फेल होने से ज़्यादा बुरी बात है या ख़तरनाक बात है फ्यूचर के लिए सो बड़े लोग यही कहते हैं नाकामी जो है वो आने वाली मंजिल तक पहुँचाने का एक जरिया है सही तरीके से हाउ इज़ फेलियर अ डिस्क्राइस ये कैसे मुमकिन है कि ये इसमें बेजती की बात कोई नहीं है फेलियर प्रोवाइड दस एन अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूव आवर सेल्फ ये जो नाकामी है हमें यह हौसला मौका देती है कि हम अपने आप को ज़रा इम्प्रूव कर लें मज़ीद बेहतर करें एंड फेस चैलेंजेस और मुश्किल का सामना करें इट गिव्स अस स्ट्रेंथ इससे हमें क़वत मिलती है टू स्टैंड ऑन आवर फीट ताकि हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें सो फेलियर इज़ नाराइस इसको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए ये कोई बेजती की बात है हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एन वाई हमें कितनी मरतबा कोशिश करनी चाहिए और क्यों देर इज नो लिमिट फॉर ड्राॅंग इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है कि हम कितनी कोशिश करें वी शुड कीप ऑन ट्राइंग टिल आवर सक्सेस हमें तो अपनी कामयाबी तक कोशिश जारी रखनी चाहिए देर इज़ नो एंड ऑफ ग्लोरी अजमत हासिल करने का मंजिल पाने का कोई किनारा नहीं होता therefore we should go on trying persistently until we succeed लिहाजा हमें अपनी कोशिश को उस वक्त तक जारी रखना है जब तक मुस्तकिल मिजाजी से persistently जब तक के हम कामयाब नहीं हो जाते डेफिनेटली दिस इज द रियल मैसेज फेल होना मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कोई वो बात नहीं है परेशानी की कोशिश करें बस वट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर थैस्क हार्ड अगर हमें हमारा काम कोई मुश्किल लगे तो क्या करना चाहिए जैसा कि पढ़ाई बाज़ तो मुश्किल लगना शुरू हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए इफ़ वी फाइंड आवर थैस्क हार्ड वी शुड ट्राई अगेन हमें हर हम मुमकिन तरीके से कोशिश करनी चाहिए वी शुड बी स्टैड फास्ट एज वेल और हमें इसमें मुस्तकिल मिजाज रहना चाहिए स्टैड फास्ट का मतलब यही है परसिस्टेंट स्टैड फास्ट सारे एक ही के हैं के मीनिंग हैं जिनके तो गिव एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ अपनी जिंदगी की कोई मिसाल पेश कीजिए जिसमें आपने स्ट्रगल की है टू मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी प्रेसिंग अर्ज का मतलब

in my class or may upni class mea walagya in the annual examination salanaim tehan me so this is an example good example by the way so you must try like all these questions and try to learn by heart this is your very much first duty don't forget it uh, Okay, just keep watching this video and try to understand uh, the main theme and idea of uh, each question so that you can understand well and quickly. Thank you very much. See you in another video.